क्या आपने कभी एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी है इस आशा में कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और फिर बाद में पछता है ये सोचकर कि जो अपॉर्चुनिटी छोड़ी थी वही थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये सीखिए कि आई हुई अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कैसे करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग खुश रहते थे और मंदिर में पूजा भी करते थे। एक बार बारिश के मौसम में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई, नदी बहने लगी और पूरा गांव पानी में डूब गया। उस गांव के सभी लोग अपने घर छोड़कर एक सेफ जगह के लिए निकल पड़े। उसी वक्त एक आदमी उस मंदिर के अंदर भाग आया। वो पंडित जी के रूम में गया और उनसे कहा, बाढ़ के वजह से पानी घरों के अंदर घुस रहा है और पानी का लेवल भी जल्दी ही बढ़ रहा है और मंदिर के अंदर भी काफी पानी घुस चुका है। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा वरना ये पूरा मंदिर पानी में डूब जाएगा। मंदिर के बाकी सारे लोग एक सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ आप ही बाकी है, तो चलिए मेरे साथ। उस पंडित ने आदमी से कहा, डरो मत, मेरा भगवान पे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बचाने जरूर आएंगे और इसीलिए मैं इस मंदिर से नहीं निकलूंगा, आप चले जाओ। थोड़े ही समय में पानी उस रूम के अंदर कमर तक पहुंच चुका था। पंडित टेबल के ऊपर बैठ गए। कुछ ही मिनटों बाद एक आदमी बोट लेकर उन्हें बचाने आ गया। उस आदमी ने पंडित से कहा, मुझे बाकी गांव वालों ने बताया कि आप इस मंदिर में फंसे हो, इसीलिए मैं ये बोट लाया हूं ताकि मैं आपको बचा पाऊं, तो जल्दी से इस बोट पे आ जाइए। मगर उस पंडित ने फिर इनकार करते हुए उससे कहा कि आप चले जाओ, मैं यही रुकूंगा, मेरा भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे बचाने आएंगे। पानी मंदिर में बढ़ता चला गया और इसीलिए पंडित छत के ऊपर चला गया। पंडित भगवान से प्रार्थना करता रहा कि प्लीज मुझे बचा लो। कुछ ही समय बाद एक हेलीकॉप्टर वहां पे आ गया रेस्क्यू करने के लिए। मगर उस पंडित ने फिर से वही कारण बताकर उस हेलीकॉप्टर को भी वहां से भेज दिया और इसी तरह वो हेलीकॉप्टर दूसरों की मदद करने वहां से चला गया। आखिर में जब मंदिर पूरी तरह पानी के अंदर आ चुका था, तब पंडित अपना सर ऊपर उठाकर कंप्लेन करते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी शिद्दत से आपकी प्रार्थना की है, आप पे विश्वास किया है और आज आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान उस पंडित के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए तीन बार आया था। पहले उस आदमी के रूप में जो दौड़ते हुए तुम्हें बताने आया था कि गांव में बाढ़ आ चुकी है, दूसरी बार मैं तुम्हें बोट लेकर बचाने आया था और तीसरी बार मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में बचाने आया था। इसमें मेरी क्या गलती कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। उस पंडित को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी और आखिर उसे एक सुरक्षित जगह जाने का मौका मिला जो इस बार उसने एक्सेप्ट किया। इसी तरह हमारे जिंदगी में भी अपॉर्चुनिटी नॉक करके नहीं आती है, वो अनजाने में ही आती है और हम उसे पहचान नहीं पाते और फिर पूरी जिंदगी यही कोसते रहते हैं कि मुझे कोई मौका ही नहीं मिला कुछ बनने का। इसीलिए आए हुए हर मौके का पूरा इस्तेमाल करें और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें दोनों हाथों से, क्योंकि आई हुई मुसीबत और कुछ नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ एक वरदान है, क्योंकि हर बुरा वक्त एक मौका है उसे अच्छा बनाने का। आपके जिंदगी में आपकी अगली अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, क्या आप उस मौके का इस्तेमाल करने के लिए रेडी है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अभय वेलसनकर को। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस देखते रहिए इसी चैनल पे आपके डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन के लिए। धन्यवाद।